गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कुछ कार्बनिक यौगिकों की हम बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हम पार्ट नंबर 5 तक कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके अंदर हमने नाइट्रो एल्केन कंप्लीट कर लिया था, अब आज हम नाइट्रो एरीन चल रहा है हमारा उसकी बात करने जा रहे हैं। और नाइट्रो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमने नाभिक्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर बात कर ली थी और अब हम करने जा रहे हैं अपचयन। तो नाइट्रो एरीन का अपचयन अलग अलग तरीके से करवाएंगे, क्षारीय माध्यम में किस तरीके से नाइट्रो एरीन का अपचयन होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उदासीन माध्यम में और अम्लीय माध्यम में, तीनों माध्यम में अलग अलग प्रकार से रिएक्शन होती है और अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल अपचयन करवा के देखें हम, तो देखिए हम नाइट्रो एरीन को C6H5NO2 से लिख सकते हैं और इसका हम अपचयन कराएं तो 2H के साथ रिएक्शन कराएं तो 2H और OH2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ C6H5OO और N OO को बोला जाता है नाइट्रोसोबेंजीन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन। अब हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोसोबेंजीन की फिर वापस अपने 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और 2H के साथ रिएक्शन करवाने पर 1H इसके साथ, 1H इसके साथ, तो C6H5NHOH ये प्राप्त हो जाएगा और इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिलेमिन, यानी कि NH2OH होता है ना उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन। और हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन C6H5 के द्वारा कर रखा है और C6H5 होता है फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन। और फिर उसके बाद में फिर 2H के साथ रिएक्शन कराएंगे, 1H इसके साथ में, 1H इसके साथ में, तो C6H5NH2 प्राप्त हो जाएगा और 1H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और बेंजीनिंग पर जब NH2 जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एनिलीन। तो कहने का मतलब है नाइट्रो ग्रुप जो है वो एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन लिया था और नाइट्रो बेंजीन की 2H के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त हो गया। फिर 2H के साथ करवाया अपचयन, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन प्राप्त हो गया। फिर 2H के साथ करवाया और हमें एनिलीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया भाई, एनिलीन। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यम में अपचयन करवा सकते हैं। तो पहला माध्यम आता है अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन। उपस्थिति किसकी लेंगे, अम्ल की लेंगे, अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं नाइट्रो एरीन या नाइट्रो बेंजीन, इसको बोला जाएगा नाइट्रो बेंजीन और नाइट्रो बेंजीन की 6H के साथ अपचयन करवाते हैं और यहाँ SN+HCl लेते हैं, अम्ल और स्टेनस मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं।
तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एमिनो ग्रुप में चेंज हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। तो हमने अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाई नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की 6HSN+HCl के साथ रिएक्शन कराई, एनिलीन प्राप्त हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। 4 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और 2H हैं वो N के साथ जुड़ जाते हैं और हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल अपचयन था और ये अम्लीय माध्यम में अपचयन, तो अम्लीय माध्यम में अपचयन छोटा ही है तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अपचयन करवा करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिए दूसरा आता है उदासीन माध्यम में अपचयन। इसी के अंदर अपचयन के अंदर दूसरा पॉइंट उदासीन माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में अपचयन। और उदासीन माध्यम में अपचयन अलग अलग की उपस्थिति में करवाते हैं। सबसे पहले हम Fe और H2O, Fe का मतलब होता है लोहा, तो पहला आता है Fe+H2O, H2O का मतलब बाम। यहाँ पे वाष्प ले रहे हम की उपस्थिति में अगर अपचयन करवाएंगे, की उपस्थिति में अपचयन, की उपस्थिति में अपचयन, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन लिया हमने सबसे पहले और इसको बोला जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और Fe+H2O, H2O जो लेंगे गैसीय फॉर्म में लेंगे, भाप के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये 2H और यहाँ का O एक H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और बेंजीनिंग पर जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल गया और इसको बोला जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन बना लिया, FeH2O की उपस्थिति में अपचयन कराया। तो ये जो अपचयन था वो एक उदासीन माध्यम का अपचयन था। कैसा था भाई? उदासीन माध्यम का अपचयन था। दूसरा अपचयन करवाएंगे जिंक व अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में अपचयन। तो नाइट्रो एरिन लेंगे हम, नाइट्रो एरिन ले लिया और नाइट्रो एरिन की जिंक और NH4Cl को बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। तो उदासीन माध्यम में अपचयन करवा रहे हैं हम NHOH और जो Cl है वो Zn के साथ मिलकर के ZnCl2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और NH4 से NH3 बाहर निकल जाएगी और H2O बाहर निकल जाएंगे। हाइड्रोक्सीलेमीन प्राप्त हो गया हमें, तो इसको बोला जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सीलेमीन। तो ये था उदासीन माध्यम में अपचयन। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अगर हम बाम्प लेते हैं और
लोहा लेते हैं, उसके साथ अपचयन कराते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होता है, और हम जिंक और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन हमें प्राप्त होता है। तो ये था उदासीन माध्यम में अपचयन। उसके बाद में तीसरा आता है क्षारीय माध्यम में अपचयन। क्षारीय माध्यम में अपचयन नाइट्रोएरिन का क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाते हैं तो दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो ये हमने नाइट्रोएरिन लिया और 2H के साथ रिएक्शन कराई, N डबल बॉन्ड O, एक तो प्राप्त हो गया हमें नाइट्रोसो बेंजीन, तो इसको तो बोल देंगे नाइट्रोसो बेंजीन। और फिर नाइट्रोएरिन लिया इसका आप चेन करवाया, तो NHOH फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, तो इसको बोला जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, फिर भी ये रुकते नहीं आगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, N डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोक्सिलेमिन ले लेंगे अपने NHOH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करके ये तो क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन है, नाइट्रोसोबेंजीन है, और ये फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन। रिएक्शन कर रहे हैं ये एच, ये एच ओ, एच टू ओ के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर अब क्या बचेगा, N डबल बॉन्ड N और ये O बच गया इसके पास एक, इसको बोला जाएगा एजोक्सी बेंजीन। तो नाइट्रोसोबेंजीन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एजोक्सी बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर अपने के क्या करेंगे, 2H के साथ फिर करवाएंगे, ये 2H और ये O H2O के रूप में फिर वापस बाहर निकल जाएंगे, और ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये बन जाएगा एजो बेंजीन। फिर 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये था हमारे पास, ये 2H के साथ कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ में, इसको बोलेंगे हाइड्रेजो बेंजीन। हाइड्रेजो बेंजीन
फिर अपने 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और 2H के साथ रिएक्शन कराने पर ये इसके साथ जुड़ जाएंगे NH2 की फॉर्म में, दो बन जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इसको बोलेंगे एनिलीन। तो इस प्रकार अपने क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन के 2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोसुबेंजीन प्राप्त होता है, फिर 2H के साथ करवाते हैं तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। नाइट्रोसुबेंजीन और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या प्राप्त होता है, जुक्सिबेंजीन। फिर 2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो एजोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर 2H के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर 2H के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। अब हम क्षारीय माध्यम में अलग अलग की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, नेकी होंगे इन्हीं में से, या तो एजोक्सीबेंजीन या एजोबेंजीन या हाइड्रोजोबेंजीन या एनिलीन, इनमें से ही कोई उत्पाद प्राप्त होंगे। क्षारीय माध्यम में अपचयन जो है ना वो काफी लंबा है, तो सबसे पहले सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे क्षारीय माध्यम में, सोडियम आर्सेनाइड। की उपस्थिति में अपचयन सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में अपचयन तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे और नाइट्रोबेंजीन की सोडियम आर्सेनाइड Na2AsO2 जो होता है वो सोडियम आर्सेनाइड होता है, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन लेंगे और नाइट्रोबेंजीन NO2 और इसको बोला जाएगा नाइट्रोबेंजीन ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के 6H के साथ रिएक्शन करवाएंगे Na2AsO2 की उपस्थिति में। N=O इसको बोला जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, ये 2H2 लेंगे, 2 नाइट्रोबेंजीन लेंगे और एक बन जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे आगे कैसे करेंगे, चलो मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ आपको। N=O प्लस में यहाँ से H, यहाँ से H और O H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसको बोला जाएगा एजोक्सीबेंजीन।
क्या बोला जाएगा, एजोक्सी बेंजीन। तो नाइट्रोसोबेंजीन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन आपस में कराएंगे तो लास्ट में एजोक्सीबेंजीन। तो सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एजोक्सीबेंजीन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा सोडियम स्टेनाइड, सोडियम स्टेनाइड की उपस्थिति में अपचयन। सोडियम स्टेनाइड की उपस्थिति में अपचयन, तो सोडियम स्टेनाइड होता है Na2SnO2, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे NO2, 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे Na2AsO2 और हमें NHOH प्राप्त हो जाएगा। ये 2 नाइट्रोबेंजीन लेंगे तो 2 फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये हाइड्रोक्सिल एमीन आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, ऐसे करेंगे ये हाइड्रोक्सिल एमीन प्लस दूसरा हाइड्रोक्सिल एमीन ये H2 वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा 2H2 के रूप में, और इस तरीके से ये N डबल बॉन्ड N और ये, और ये होता है एजोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है? एजोबेंजीन। तो इस प्रकार सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में तो एजोक्सीबेंजीन बना सकते हैं हम, और सोडियम स्टेनाइड की उपस्थिति में एजोबेंजीन बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।